मोदी की गारंटी उतनी 100% सच हुई है जितनी वो गारंटी करते हैं। अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी। क्या मोदी सरकार जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने से घबरा रही है? क्योंकि ये जो मोदी जी की गारंटी अगर सच होती तो हमारा देश आज पीछे नहीं जा रहा होता, देश का विकास हो रहा होता। डबल इंजन की सरकार से डबल विकास, जहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज गिर जाता है और सरकार ध्यान ही नहीं देती है। तो विकसित भारत का सपना मोदी सरकार देख रही है, क्या यही है विकसित भारत? क्या यही है डबल इंजन से डबल विकास? नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मोदी लिखा हुआ है, और ये क्यों लिखा हुआ है ये इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं कि मोदी लिखा हुआ है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन जो है वो बेहद ही नज़दीक हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको मोदी जी की गारंटी जो तमाम वादे करते हैं वो चीज़ें गिनवाई जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में इसके बाद वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या मोदी की गारंटी उतनी 100% सच हुई है जितनी वो गारंटी करते हैं। एक यहाँ पे दीवार पे एक चीज़ लिखी हुई है कि 2024 फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मतलब 2024 के इलेक्शन होने से पहले ही मोदी सरकार ने गारंटी दे दी है, जो तमाम वो गारंटियां देते रहते हैं उसके साथ साथ एक और गारंटी दे दी है कि अब की बार 400 पार। और साथ ही साथ योगी ने भी बोल दिया है कि इस बार 400 पार ही लाएंगे वो। क्या 400 पार का मतलब हम कहीं ना कहीं ये दे सकते हैं कि ईवीएम से 400 पार तो नहीं लाने वाले हैं वो? क्योंकि तमाम लोग, वकील जो हैं, सड़क पे आके ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है। ये 100% सच बताया जा रहा है कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है, और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ईवीएम को हैक तो करा जा सकता है, लेकिन अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो क्यों ना उसके बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। ये भी चीज़ तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या मोदी सरकार जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने से इसलिए घबरा रही है क्योंकि क्या जनता उनके साथ नहीं है? क्योंकि गारंटी तो मोदी जी बहुत देते हैं, लेकिन क्या कितनी सच में तो गारंटी है कि ईवीएम के अलावा वो बैलेट पेपर से चुनाव करा ही नहीं रहे हैं? और तमाम चीज़ें लिख रहे हैं कि अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी। और भी चीज़ें हम आपको पोस्टर के पास लेके चलेंगे कि गारंटी दे रहे हैं, और तमाम पोस्टर भी दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे हम आपको जो हमने दिखाया था कि मेरे पीछे आप मोदी देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा देखिए, मोदी मतलब विकास की गारंटी। मतलब मोदी जी ने खुद ही बोल दिया है कि अगर मोदी मतलब ही है विकास की गारंटी। हम मोदी मतलब कुछ और समझते थे, लेकिन इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि विकास की गारंटी है मोदी मतलब। और अगर कितना विकास हुआ है और कितनी विकास की गारंटी दे रहे हैं ये तो हम आपको पूरी वीडियो में बता ही देंगे। और साथ ही साथ जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए हैं मोदी जी के, वहाँ भी हम आपको लेके जाएंगे। और एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं मोदी जी द्वारा, तो वो भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और कितनी गारंटी है। मतलब विकास की गारंटी मोदी जी ने खुद ही कह दिया है, अब देखना ये कितनी गारंटी है। बाकी इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे कि मोदी जी कितनी गारंटी दे रहे हैं और कितनी चीज़ें सरकार के लिए कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के लिए, जो डबल इंजन से डबल विकास बताते हैं, कितनी गारंटी और कितना नहीं। इस पूरी वीडियो को देख के हमें कमेंट बॉक्स में एक बार आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्या आप मोदी के साथ हैं, क्या ईवीएम के खिलाफ हैं, या फिर जो मोदी जी कहते हैं उस चीज़ के साथ हैं। बाकी इस पूरी वीडियो को बने रहिए। और इस वक्त आप मेरे साथ में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पोस्टर देख पा रहे होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ इस वक्त। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेल्फी पॉइंट में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। जगह जगह आपको ये सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त जो ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, हम आपको दिखा देते हैं किसके सामने बनाया गया ये सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट जो बनाया गया है, इसमें आपको हम पढ़ के बता दें क्या लिखा हुआ है। ऊर्जावान भारत, उन्नत भारत, इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सौभाग्य विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, 2,86 करोड़ घर हुए रोशन। कि 2,86 करोड़ घर जो है इनके द्वारा रोशन किए जा चुके हैं, कि घर घर उन्होंने बिजली पहुंचा दी। और यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और साथ में मोदी जी की तस्वीर है, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पर जो इतना खर्चा किया गया है इनके द्वारा, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक आपको आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर जो लोग हैं वो ज़मीन पे सो रहे थे, और वहीं साथ ही में सेल्फी पॉइंट बनाया गया था कि यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं आप अपने मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ऐसे नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से पोस्टर लगाया गया, जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूरा दिखा देते हैं, अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पर बैठने तक का यहाँ पर बनाया गया है कि एक जो है बैठ
यहाँ पे निगरानी करेगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है कि कोई जो जो पुलिस कर्मी है कोई भी यहाँ पे बैठ के निगरानी करेगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिगड़ ना जाए, या कोई मोदी जी का जो पोस्टर है वो हटा ना दे, या कुछ कर ना दे। मतलब जो पुलिस कर्मी कहीं और होना चाहिए वो यहाँ सेल्फी पॉइंट की निगरानी करेगा। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, और ये जो सेल्फी पॉइंट यहाँ नहीं हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी लेने में। ये चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। और जो कहा गया है कि 2,86,00,000 का जो घर रोशन किए गए हैं, ये भी चीज़ दिखाई गई है कि हमने 2,86,00,000 घर रोशन कर दिए हैं। आप हमें ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने घर रोशन हुए हैं प्रधानमंत्री जी की योजना के लिए। आप ये पोस्टर देख पा रहे होंगे कि मोदी की गारंटी कोई नहीं रहेगा भूखा, कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि कोई नहीं रहेगा भूखा। और साथ ही साथ एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, हरियाणा में 42,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों के 1.69 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। मतलब साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने मुफ्त अनाज भी दिया है। हमारा संकल्प विकसित भारत, जहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, वहीं अगर दूसरी तरफ हमने पूरे खोजबीन करी उसके बाद हमें पता चला है कि जो हंगर इंडेक्स है वो इंडिया का बहुत ही गिरता चला जा रहा है। और जहाँ पे कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है कि कोई नहीं रहेगा भूखा, वहीं अगर आप हंगर इंडेक्स देखे जाके तो उसमें जो भारत का जो वो इंडेक्स है वो गिरता ही चला जा रहा है। तो ये है क्या विकास? ये हो रहा है विकास, विकसित राष्ट्र बनाने का तरीका, कि जहाँ पे अनाज मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन तमाम लोग हम लोगों से पूछते रहते हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अनाज मुफ्त देने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप हमें रोज़गार नहीं देंगे हमारा घर कैसे चल पाएगा? क्या सिर्फ अनाज देने से अगर घर चल जाता तो यहाँ का देश का युवा जो बच्चा जो कह रहा है कि हमें रोज़गार चाहिए वो हाथ में डिग्री लेके नहीं घूम रहा होता? अगर ये जो मोदी जी की गारंटी अगर सच होती तो हमारा देश आज पीछे नहीं जा रहा होता, देश का विकास हो रहा होता। जहाँ पे मोदी जी कहते हैं हमारा संकल्प है विकसित भारत बनाना, तो देश का युवा पूछ रहा है कि कहाँ है हमारा 2 करोड़ रोजगार? जो अनाज दे रहे हो कि अनाज सिर्फ अनाज से घर चल जाता है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि कोई नहीं रहेगा भूखा। अगर लोग भूखे नहीं रह रहे हैं तो क्यों वो देश की सरकार से कह रहे हैं कि हमें रोज़गार दो, तभी तो जाके हम लोग अपने पेट भर पाएंगे, तभी जाके हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर ये मोदी की गारंटी सच में 100% सच होती तो आज कोई देश का युवा सड़क पे नहीं बैठा होता, कोई भीख नहीं मांग रहा होता, लोग रोज़गार बैठे होते और अपना काम कर रहे हैं। आपको तीसरी जगह लेके आए, जहाँ पहली जगह थी सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ सेल्फी ले सकते हैं। दूसरा था मोदी जी की गारंटी, जहाँ वो कह रहे थे कि 1.69 करोड़ का फ्री राशन दे दिया उन्होंने लोगों को। और अब तीसरा है डबल इंजन की सरकार और बढ़ती रफ्तार का, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। बड़ी रफ्तार डबल इंजन की सरकार, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि 6 एक्सप्रेसवे संचालित और 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन कर दिए हैं उन्होंने। जहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से वो डबल विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने अखिलेश यादव को देखा होगा, वो ट्वीट करते रहते हैं और वीडियो जाहिर करते रहते हैं ट्विटर पे एक्स पे पोस्ट करके कि बारिश आती है, अगर तेज़ बारिश होती है तो जो सड़कें होती हैं वो ढल जाती हैं। आपको मोरबी ब्रिज जो है वो उसकी न्यूज़ आपको याद होगी, जहाँ पे पूरा मोरबी ब्रिज ही गिर गया था और 135 लोगों की मौत हो गई थी मोरबी ब्रिज गिरने से। क्या यही है डबल इंजन की सरकार से डबल विकास, जहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज गिर जाता है और सरकार ध्यान ही नहीं देती है? जहाँ सड़कें ढस जाती हैं उसमें भी सरकार ध्यान नहीं देती और कहती है कि डबल इंजन की सरकार से डबल विकास हो रहा है और तेज़ी से विकास हो रहा है और रफ्तार पकड़ रहा है, ये भी चीज़ बोल रहे हैं। 2014 के बाद से जो सरकार आई थी उसके बाद से कह रहे हैं कि डबल विकास हुआ है। उनका एजेंडा तो कुछ अलग ही चलता रहता है, जहाँ पे वो अलग एजेंडा चला। फिर से हम मौजूद हैं, हम चौथे पोस्टर के पास आपको लेके आए हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार। जहाँ मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए समर्पित हो चुके हैं, वहीं आपको एक चीज़ याद दिला दे, जब किसान 13 महीने के लिए आंदोलन पे बैठे थे तब मोदी सरकार का जो दिल है वो नहीं पिघला था किसानों के लिए। वहीं पे आधे से ज़्यादा जो किसान थे उनको शहादत दे दी थी, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था, और वहीं 13 महीने से वो लोग बैठे हुए थे आंदोलन पे, तब मोदी सरकार ने उनकी
एक ना सुनी और यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है कि किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार। क्या यही है किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार? किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए 1,14,000 किलोमीटर फीडर लाइनों का निर्माण, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2,40,000 कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया, किसानों को डीजल के खर्चों से मुक्ति, नया भारत नई ऊर्जा। जिस तरीके से मोदी सरकार कह रहे हैं नया भारत नई ऊर्जा, उससे देखने से लग नहीं रहा है कि नया भारत है, नई शुरुआत हो चुकी है, या डबल विकास हो चुका है, या फिर विकास विकसित राष्ट्र बन चुका है। क्योंकि किसान तमाम तरीके के चीज़ें बोल रहे हैं भाजपा सरकार के, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करा। जब हम 13 महीने से सड़कों पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तब मोदी सरकार कहाँ थी? तब उनका दिल क्यों नहीं पिघला और यहाँ पे बैनर लगा रहे हैं मोदी सरकार जो है समर्पित हो चुकी है किसानों के लिए। ये शौचालय के बाहर ही जस्ट आप ये जो पोस्टर लगा हुआ है, और अगर इनकी खर्चों की बात करें तो जगह जगह पे ये पोस्टर दिख जाएगा आपको, जगह जगह सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे, बस स्टॉप पे पोस्टर दिख जाएगा आपको, और जगह जगह इस तरीके के पोस्टर दिख जाएंगे जहाँ पे मोदी सरकार की फ़ोटो है और तमाम गारंटी के दावे वादे कर रही हैं। हर चीज़ में कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दे दिया, बिजली दे दी, और जो किसानों के लिए उन्होंने डीजल के खर्चों से मुक्ति करवा दी है, और तमाम गारंटी दे रहे हैं कि हमने तमाम योजनाएं ला दी हैं। फिर भी जो जनता में आक्रोश क्यों है, जनता क्यों सवाल पूछे, उनके सवालों का जवाब जो मोदी सरकार है वो क्यों नहीं दे रही है, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। क्या जो विकसित भारत का सपना मोदी सरकार देख रही है, क्या यही है विकसित भारत? जो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की बात करती है मोदी सरकार, क्या यही है डबल इंजन से डबल विकास? क्योंकि युवा सवाल पूछ रहा है, किसान सवाल पूछ रहा है, और हर महिला वो सवाल पूछ रही है कि कहाँ है डबल इंजन से डबल विकास। क्योंकि तमाम चीज़ें हम आपको गिनवा चुके हैं जहाँ पे मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते, क्या गारंटी उनकी सफल हुई है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूर जहाँ।